वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस में अब तक 36.56 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं इस महामारी से अब तक कुल 56.3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9.89 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामलों के साथ अमेरिका अब तक का सबसे प्रभावित देश बना हुआ है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 36,56,09,893 तक पहुंच गई है। वहीं अब तक संक्रमण की चपेट में आए 56,35,890 मरीजों की मौत हो चुकी है। महामारी के खिलाफ जारी टीकाकरण के तहत दुनिया भर में कोरोना की 9,89,20,70,039 डोज दी जा चुकी हैं। CSSE के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों 7,34,01,269 और 8,78,335 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है। कोरोना के मामलों में भारत दूसरे सबसे प्रभावित देश है, जहां कोरोना के 4,03,71,500 मामले हैं, जबकि 4,91,700 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद ब्राजील में कोरोना के 2,47,89,795 मामले हैं, जबकि 6,25,390 लोगों की मौत हुई है। CSSE के आंकड़ों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा मामलों वाले अन्य सबसे प्रभावित देश फ्रांस हैं, जिसमें 1,82,41,439, यूके 1,63,57,684, तुर्की 1,12,50,107, रूस 1,12,13,423, इटली 1,05,39,601, स्पेन 96,60,208, जर्मनी 93,35,854, अर्जेंटीना 82,07,752, ईरान 62,93,695 और कोलंबिया 58,16,462 है। जिन देशों ने 1 लाख से ज्यादा मौतों का आंकड़ा पार कर लिया है, उनमें रूस 3,22,135, मैक्सिको 3,03,776, पेरू 2,04,769, यूके 1,55,559, इटली 1,45,159, इंडोनेशिया 1,44,261, कोलंबिया 1,33,292, ईरान 1,32,333, फ्रांस 1,31,007, अर्जेंटीना 1,20,352, जर्मनी 1,17,370, यूक्रेन 1,06,373 और पोलैंड 1,04,636 शामिल हैं। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।